मैंने जुनैद और नसीर को कहा कि शहीद है, जिंदा है, इनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। तो मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर को ओवैसी शहीद कह रहा है। हाँ, शहीद है, जिंदा है, उनको अल्लाह गिजा देता, तुमको नहीं मालूम। हमने अपनी पार्टी के 2 रोजा कन्वेंशन में जो धर्म संसद किया जाता है, नाम निहात धर्म संसद, उसमें धर्म संसद करके हर धर्म संसद में गाली मुसलमानों को, गाली इस्लाम को, गाली हमारे माँ और बहनों को। और तो और, एक बाबा हैं जो नाक से सांस लेना सिखाते हैं और अपने पेट को गोल गोल फिराते हैं और मंजन बेचते हैं, टूथपेस्ट बेचते हैं। वो राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर जाकर का मुसलमान नमाज भी पढ़ता मगर ऐसा भी करता। बाबा, आपको क्या मालूम इस्लाम के बारे में? अगर नहीं मालूम तो सीख लो, मगर झूठ तो मत बोलो। तुमने अनाप शनाप बका, बाबा पे कोई एक्शन नहीं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, एक FIR इशू करे, बाबा चले गए। राजस्थान से जुनैद और नसीर के रिश्तेदार जब जाकर राजस्थान की पुलिस से कहा कि देखो, हमारे बेटे को, भाई को उठा कर लेकर गए ये आतंकवादी, तो पुलिस ने कहा चल भाग निकल। मगर बाद में उनकी जली हुई लाशें मिली। अगर उनको पुलिस हरकत में आ जाती तो वो जालिम लोग जुनैद और नसीर को लेकर राजस्थान का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में नहीं जा सकते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी का एक MP कहता है दिल्ली में मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बीजेपी के एक भोपाल की MP बोलती कर्नाटका जाकर, वो चाकू तरकारी काटने के लिए इस्तेमाल मत करो, गले काटो। भारत के प्रधानमंत्री आपके MP बोल रहे हैं कितनों को काटेंगे, क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप? और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे हैं, अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने? किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके बताओ हमको? कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है बताओ? मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। और याद रखो, अगर तुम मुझे काट भी दोगे तो मैं अल्लाह के नाम पर शहादत पाऊंगा, मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा। मैंने जुनैद और नसीर को कहा कि शहीद है, जिंदा है, इनको मुर्दा नहीं कहा जा सकता। तो मीडिया में जो 6 बजे और 9 बजे बैठकर मोदी को अपने पप्पा कहते हैं, उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई कि जुनैद और नसीर को ओवैसी शहीद कह रहा है। हाँ, शहीद है, जिंदा है, उनको अल्लाह गिजा देता, तुमको नहीं मालूम। जुनैद और नसीर शहीद है, और आप जो है आपकी MP पे कोई एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन नहीं बीजेपी की तरफ से। और भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, एक गाना, पुराना गाना गाते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उसकी ट्यून ऐसी है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास। प्रधानमंत्री, ये गाना बहुत पुराना हो गया है, ये गाने में सच्चाई नहीं है, धोखा है।